Hello and welcome everyone. I hope this message finds you fit and fine. My name is Shashank Tyagi. Welcome to this important issue, India's nuclear policy. Nuclear weapons. Weapons of mass destruction or weapons for peace? आप कहेंगे सर न्यूक्लियर वेपन्स ये तो डिस्ट्रक्शन ही लाते हैं, शांति कैसे लाएंगे? जबकि ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर तो वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों सुपर पावर के पास न्यूक्लियर वेपन थे कि अगर एक ने कुछ किया तो दूसरा भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है. तो इस लिहाज से तो न्यूक्लियर वेपन्स का होना शांति का भी कारण बनता है, राइट? अब हमारा आज का फोकस इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी पर है. तो इस विषय में जरा एक ये डेटा देखिए. एस्टिमेट ऑफ ग्लोबल इन्वेंट्री ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स. इंडिया के पास 156, पाकिस्तान के पास 165, इंडिया से ज्यादा, चाइना के पास 350. तो अब थोड़ा इंपोर्टेंस पता लग रही होगी कि क्यों हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो बहुत ही साउंड होनी चाहिए और वो सॉल्यूशन होना चाहिए ऑफ करंट न्यूक्लियर एनवायरनमेंट. जो खतरा मंडरा रहा है उसके खिलाफ हमारे पास तैयारी होनी चाहिए. आप में से कोई लोग अगर सोचेंगे कि आज तक इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स तो इस्तेमाल किया नहीं किसी दूसरे देश के खिलाफ, ना पाकिस्तान ने किया ना चाइना ने किया. जब किया नहीं तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना क्यों, मेंटेन क्यों करना, वो खर्चा हो रहा है फालतू में, राइट? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बताना चाहूंगा आप इसको कंपैरिजन मत कीजिए अपने घर के किसी टूल से जो 20-30 साल से यूज नहीं हुआ तो टाइम टू डिस्कार्ड इट, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है. और सुरक्षा में जब भी हम सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें वर्स्ट केस सिनेरियो मानना चाहिए कि बुरे से बुरा देश के साथ जो हो सकता है हमें उसके लिए तैयार रहना है. तो इसी वजह से न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया बिकम्स इंपोर्टेंट. एक क्वेश्चन देखिए जरा. इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन डिमांड्स चेंज इन ल्यू ऑफ करंट न्यूक्लियर एनवायरमेंट एनालाइज. इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है क्या, किस सिनेरियो में इंडिया न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, कौन से प्रिंसिपल्स वहां पर मेंशन है. इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन. अभी हम समझेंगे बहुत ही आसानी से. चेंज, कौन से चेंज की डिमांड हो रही है और क्यों किए जाए वो चेंज, और करंट न्यूक्लियर एनवायरमेंट से मतलब क्या, कौन से खतरे अभी हैं, इसको एनालाइज करना है. यानी कि ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर पॉलिसी के पॉइंट्स को कॉपी पेस्ट करना है. एनालाइज का मतलब होता है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं ऑन फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इस क्वेश्चन की डिमांड पर. क्लियर है? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं. इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के दो कीवर्ड हैं, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज. क्रेडिबल, विश्वसनीय, मिनिमम यानी कि इतने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल हमें चाहिए जिससे कि हमारा काम बन जाए. और काम कौन सा? डेटरेंस का. डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे देश को खतरा है किसी दूसरे देश से, तो ऐसे में हम ऐसी वेपनरीज, ऐसी मिलिट्री स्ट्रेंथ रखना चाहते हैं कि दूसरा 10 बार सोचे बिफोर एक्चुअली हार्मिंग एनी ऑफ आर इंटरेस्ट. क्योंकि उसको ये लगना चाहिए कि अगर मैंने अटैक किया तो इंडिया ऐसा काउंटर अटैक करेगा जिससे इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा जितना नुकसान वो इंडिया को नहीं पहुंचा पाया था. तो मुझे बताइए अगर ऐसी इक्वेशन हम अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी में सेट करें तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारी जो टेरिटरी, वो ज्यादा सिक्योर रहेगी अगेंस्ट आर एडवर्सरी? आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर. तो यही तो डेटरेंस होता है, राइट? क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, ये वर्ड एक्चुअली एक आइडलिस्टिक टिल्ट भी दिखाता है कि हम केवल इतने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल चाहते हैं जिससे कि हमारा डेटरेंस बन जाए. और उसमें भी हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रखते हैं, यानी कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से. हम पे कोई न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगा तो ही हम न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेंगे. आप कहेंगे कि सर बचेंगे तब ना, तभी तो अटैक करेंगे. तो देखिए इसको भी मैं एलैबोरेट करके भी आपको समझाऊंगा. तो अभी तक आपको समझ में आया कि हमारा जो डिटरेंस की स्ट्रेटजी है इन न्यूक्लियर वेपन्स, इट इज बाय पनिशमेंट. यानी कि किसी ने करा हम पर अटैक तो हम पनिशमेंट उसको दे रहे हैं. यहां पर हम काउंटर वैल्यू की स्ट्रेटजी का हम मेंशन करते हैं इन आर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. मतलब क्या हुआ? इंडिया की पॉलिसी कहती है कि जो रिप्लाई होगा उसमें हम ऐसे टारगेट्स रखेंगे जिससे कि अनएक्सेप्टेबल डैमेज होगा उस देश को. अनएक्सेप्टेबल डैमेज, आप कहेंगे अनएक्सेप्टेबल डैमेज क्या डिफाइन किया गया? नहीं, ये डिफाइन नहीं किया गया और यही इसकी खूबसूरती है. आप कहेंगे सर डिवेस्टेशन के लिए, डैमेज के लिए खूबसूरती वर्ड? देखिए हम तो पीस चाहते हैं ना. हम पॉलिसी ऐसी रखेंगे कि दूसरा अटैक ना करे. जब वो अटैक नहीं करेगा तो हम अटैक नहीं करेंगे, तो खूबसूरती बनी रहेगी. चलिए खैर,
जबकि काउंटर फोर्स जब वर्ड यूज होता है तो काउंटर फोर्स का मतलब होता है हम टारगेट स्पेसिफिकली उनके न्यूक्लियर फोर्सेस को करेंगे। अब आप खुद ही मुझे बताइए, इतनी जो आपकी समझ बनी है अभी तक, कि कौन सी स्ट्रेटेजी से आपको लग रहा है ज्यादा डिटरेंस बनेगी? यानी कि अगर हम काउंटर फोर्स का इस्तेमाल करें उससे ज्यादा डिटरेंस बनेगी, जिसमें केवल हम टारगेट कर रहे हैं उनकी डिस्ट्रॉइंग देयर एडवर्सरीज न्यूक्लियर फोर्स, उनके न्यूक्लियर फोर्सेस को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फिर काउंटर वैल्यू से? क्योंकि काउंटर वैल्यू में हम बता ही नहीं रहे कि हम कहाँ अटैक करेंगे, तो हम आपकी सिटीज पे भी अटैक कर सकते हैं, हम आपके ट्रेडिंग सेंटर्स पे भी अटैक कर सकते हैं, हम आपके हाइड्रो पावर प्लांट पे भी अटैक कर सकते हैं, कहीं भी अटैक कर सकते हैं। तो किससे डर ज्यादा पैदा होगा? ऑब्वियसली आप कहेंगे काउंटर वैल्यू से, राइट? तो इसी वजह से हम काउंटर वैल्यू का यूज करते हैं, मीन्स मैंशन करते हैं। अब देखिए, यहां पर हमारे जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर शिवशंकर मेनन, उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन किया 2010 में, और जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई और काफी लोगों ने इसको सराहा भी। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, नो फर्स्ट यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। उन्होंने कहा कि जो अगर हम अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इंटरप्रिटेशन अनुवाद ये रखेंगे कि भाई हम तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक हम पर न्यूक्लियर अटैक नहीं होता, तो इसका तो मतलब ये होगा चाइना सोचेगा, अच्छा मतलब न्यूक्लियर वेपन तब तक तो इस्तेमाल नहीं करोगे जब तक मैं न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करूंगा। तो उनके जो इंटरप्रेटर्स हैं वो कहेंगे यस सर, तो बाकी वेपन्स का इस्तेमाल करो इंडिया के खिलाफ। ऐसा चाइना कर सकता है, सेम पाकिस्तान कर सकता है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन का अटैक जब तक नहीं करेंगे जब तक इंडिया नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन का अटैक। तो हमारा जो डिटरेंस है क्या वो काम कर रहा है वो विद अदर कन्वेंशनल वेपन्स? नो। तो शिवशंकर मेनन उन्होंने कहा कि नो फर्स्ट यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी कि जो नो फर्स्ट यूज की स्ट्रेटजी है ना, ये केवल उन देशों पर लागू है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वहां तो फर्स्ट यूज भी हो सकता है। अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, फर्स्ट यूज हो सकता है, चाइना के पास है, फर्स्ट यूज हो सकता है। तो ये इंटरप्रिटेशन यहां से निकली, तो कई लोगों ने सराहा क्यों कि यस अब असली डिटरेंस पैदा होगा। अब पाकिस्तान अगर सोचेगा कि चलो कुछ टेररिस्ट को भेजें फिर कुछ अटैक करें, तो उसको ये लगेगा कि पता नहीं क्या पता सेंटर में जो गवर्नमेंट है क्या पता वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर दे। चाइना को भी लगेगा कि क्या पता वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर दे। हो सकता है इस वजह से वो कन्वेंशनल वेपन्स का भी इस्तेमाल इंडिया की टेरिटोरियल इंटरेस्ट इंटीग्रिटी के लिए ना करें, उसको खतरे में डालने के लिए ना करें। लेकिन अब इसका नेगेटिव क्या हुआ, वर्ल्ड ओवर ये कहा जाने लगा यानी कि इंडिया जो है वो रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, यानी कि भरोसा ही नहीं है। वो फर्स्ट यूज भी कर सकता है, और फर्स्ट यूज कर सकता है तो फिर तो न्यूक्लियर वॉरहेड का यूज हुआ तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो ऐसे में इंप्लाइज दैट नो फर्स्ट यूज डज नॉट अप्लाई टू न्यूक्लियर आर्म पावर्स, कंट्रोवर्सी हो गई। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद 2010 में क्लैरिफिकेशन दी मिस्टर श्याम सरन ने, 2013 में क्लैरिफिकेशन दी, 2010 में इन्होंने बोला था। मिस्टर श्याम सरन जो कि हमारे पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके, अब देखिए इन्होंने जो रिप्लाई किया उसने वर्ल्ड की जो डाउट्स थे उसको क्लियर किया। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि इन्होंने तो नो फर्स्ट यूज को दोबारा मेलो डाउन कर दिया। कैसे? इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स, बट इफ इट इज अटैक्ड विद सच वेपन्स मींस ये कह दिया कि अगर हमें न्यूक्लियर वेपन्स हमारे खिलाफ यूज किए जाएंगे, वुड एंगेज इन न्यूक्लियर रिटेलिएशन विच विल बी मैसिव एंड डेजिग्नेटेड अनएक्सेप्टेबल डैमेज ऑन एडवर्सरी, यानी कि काउंटर वैल्यू का यूज। लेकिन यहां पर कहा सच वेपन्स, यानी कि यहां पर कहा कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है जब ये हमारे ऊपर करेंगे उसके बाद ही हम करेंगे। तो जो नो फर्स्ट यूज का जो इंटरप्रिटेशन था शिवशंकर मेनन वाला, अब ये उससे थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वाला इंटरप्रिटेशन बताया गया। लेकिन ये भी कहा गया कि नहीं, ये शांति के लिए जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पड़ोसी आश्वस्त होते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होने वाला, तो ऐसे में ट्रेड और अदर एरियाज में जो रिलेशन हैं वो इम्प्रूव होते हैं, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो शांति होनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, राइट? तो ये इसका इंटरप्रिटेशन किया गया। हालांकि मैं एक और बात बता दूं, व्हेन वी से कि हम पर जब तक अटैक ना किया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी टेरिटरी में भी न्यूक्लियर अटैक नहीं होना चाहिए, और हमारी जो इंडियन फोर्सेज हैं अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो उन पर भी न्यूक्लियर अटैक नहीं होना चाहिए। अगर उन पर न्यूक्लियर अटैक किया तो भी हम आप पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारा जो नेवी है उसके ग्रुप ऑफ शिप्स या सबमरीन्स जो हैं दुनिया के किसी कोने में अभी कोई एक्सरसाइज में शामिल है, और वहां पर पाकिस्तान या चाइना जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर दे, और वो कहे कि देखिए हमने आपकी टेरिटरी पे तो नहीं किया, वहां पर किया है हमने तो उस ओशन में, लेकिन हमारी फोर्सेस को डैमेज हुआ ना, तो ऐसे में तैयार रहिए न्यूक्लियर अटैक यहां से भी हो सकता है, होने ही वाला है। मतलब दिस इज व्हाट द मैसेज इज।
तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक, एक होता है टैक्टिकल. स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है जिससे मैसिव रिटेलिएशन में यूज किया जाता है, यानी कि जैसे आर्मी यूज करेगी मिसाइल्स को, एयरफोर्स यूज करेगी सम यू नो बॉम्ब्स, ग्लाइडर्स, अभी इनके बारे में हम बात करेंगे, ऐसी नेवी भी यूज करेगी सबमरीन्स को, राइट, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को. तो यानी कि बड़े डैमेज के लिए किए जाते हैं स्ट्रेटेजिक वेपन्स. लेकिन दूसरे होते हैं टैक्टिकल वेपन्स, इनको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी कहते हैं, TNW. अब TNW जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और टैक्टिकल इस वजह से कहा गया कि मान लीजिए अभी आप वॉर में हैं, ठीक है, और वॉर के बीच में ही किसी एक गन से भी कुछ अगर छोटे वॉरहेड्स को यूज किया जाए, जिससे कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आप न्यूक्लियर अटैक कर रहे हैं, यानी कि उससे आपके ही लोगों को भी खतरा नहीं हो रहा, तो उनको हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं. इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की स्टॉकपाइल रखता है और इसी में बिलीव करता है, टैक्टिकल में नहीं करता, क्योंकि टैक्टिकल में प्रॉब्लम कई सारी हैं, जैसे कि पहली बात तो कॉस्टली है, मैनेज करना भारी है, और दूसरी बात इसको गलत हाथों में आसानी से आ सकते हैं, ये तो सेफगार्ड रखे जाते हैं, देयर इज अ क्लियर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रक्चर ऑल्सो जिसके बारे में हम बात करेंगे, और दूसरी बात अनऑथोराइज यूज हो सकता है, तीसरी बात जब आप बैटल फील्ड में हैं तो वहां पर इमीडिएट डिसीजन कौन लेगा, जो भी मिलिट्री कमांडर होगा, जबकि इंडिया में जो स्ट्रेटेजिक क्योंकि हम यूज कर रहे हैं तो यहां पर एक अलग से काउंसिल है, पॉलिटिकल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बताऊंगा अभी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर इज द की फंक्शनरी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से दुनिया का शेप बदल सकती है, राइट. तो ऐसे में हम स्ट्रेटेजिक में बिलीव करते हैं, टैक्टिकल का हम यूज नहीं करते, हालांकि यूएसए, रशिया, ये देश जो है टैक्टिकल वेपन्स भी रखते हैं. सो सच अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इज वेल सुटेड कन्वेंशनली फॉर स्ट्रॉन्ग पार्ट. ये कहा जाता है कि जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी वो इंडिया को चेंज करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो मजबूत देश है वो नो फर्स्ट यूज रख के चलता है, लेकिन अगर आपका जो दुश्मन है उसके कंपैरिजन में आपके पास स्ट्रेंथ कम है तो आपके लिए नो फर्स्ट यूज अच्छा डिफरेंस नहीं है. होगा क्या, चाइना कन्वेंशनल वेपन्स आपके खिलाफ यूज करता रहेगा, कहेगा देखो नो फर्स्ट यूज है आपकी तो मैं न्यूक्लियर अटैक करूंगा नहीं, कन्वेंशनल वेपन का यूज करूंगा, आप भी आ जाइए कन्वेंशनल वेपन में, और कन्वेंशनल वेपन में उसके पास मान लीजिए ज्यादा है. तो ऐसे में इस मुद्दे पर डिमांड उठती है कि नहीं, वी शुड चेंज. इफ वीकर स्टेट क्रेडिबली प्रॉमिस नॉट टू यूज न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट, इट वुड अंडरमाइन एबिलिटी टू डिटर कन्वेंशनल एग्रेशन. यही बात मैंने आपको समझाई. अब देखिए, इंडिया के लिए यहां पर चाइना और यहां पर पाकिस्तान है, दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं. इंडियाज रिट्रेशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट क्यों? अब देखिए इसकी टाइमिंग देखिए, 2013 में एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी रिलीज करती है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, जहां पर नो फर्स्ट यूज एंड क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात होती है. 2004 में और 2004-05 में क्या हो रहा है, यूएसए एंड इंडिया आर कमिंग टुगेदर ऑन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट. यानी कि वो देश यूएसए जो भारत के सख्त खिलाफ था फॉर दिस न्यूक्लियर टेस्ट जब इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुए, और जब 1998 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हुए, जब हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगाए गए, यूएसए हमारे अगेंस्ट था, लेकिन वही यूएसए अब हमारा सपोर्ट कर रहा था. क्यों? क्योंकि यूएसए का मानना था, क्योंकि इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है वो शो करता है कि इंडिया इज अ रेस्पॉन्सिबल स्टेट. इंडिया ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के सपोर्ट में है. इंडिया नहीं चाहता स्टॉकपाइल को बढ़ाना, इंडिया नहीं चाहता न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो, वो केवल इसलिए रखता है जिससे कि दुश्मन उस पर अटैक करे तो हम रिटेलिएट कर पाए, और ऐसा सिनेरियो आए ही ना, इसी वजह से हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है. तो इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज प्ले करता है वर्ल्ड के लिए. अब इंडिया के लिए कहा जाता है, जब भी क्वेश्चन आए ना कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को डिफाइन करिए, तो उसमें कहिएगा कि इंडिया एक रिलक्टेंट न्यूक्लियर पावर है. रिलक्टेंट यानी हम तो चाहते हैं वर्ल्ड से डिसआर्ममेंट हो, हम तो इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि मजबूरी है, एडवर्सल रिलेशन विद पाकिस्तान एंड चाइना. साथ में हम पैसिफिस्ट स्ट्रेटेजिक कल्चर देखते हैं इंडिया में रिगार्डिंग न्यूक्लियर. रीजन कहा जाता है इसका, एक रीजन गांधियन स्ट्रेटेजी भी, गांधियन यू कैन से थॉट भी है, और गांधियन थॉट हमारी स्ट्रेटेजी में आ गई है. कैसे? गांधी जी का मानना था कि अगर नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करोगे तो बेस्ट रहेगा, अगर वायलेंस का इस्तेमाल करोगे तो एक्चुअल में अभी शॉर्ट टर्म तो कुछ गेन कर लोगे लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान रहेगा. गांधी जी का मानना था कि देखिए जो वायलेंस है ये एनिमल वर्ल्ड का एक पर्सपेक्टिव है, आप सोच सकते हैं आप डिफरेंट हैं एनिमल्स से, तो एनिमल्स तो बंधे हुए हैं इस नेचर से, नेचर जैसा उनको दिया है कि भाई यू हैव टू हंट, दे हैव टू हंट, बट यू आर मैन, यू कैन यूज योर माइंड एंड यू कैन बी नॉन वायलेंट, क्योंकि नॉन वायलेंस से पीस आता है, प्रोग्रेस आती है. तो ऐसे में वही हमारी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में भी रिफ्लेक्ट होता है, तो हम शांति चाहते हैं इवन बाय आर न्यूक्लियर पॉलिसी. इंडिया बिलीव्स दैट न्यूक्लियर वेपन्स आर पॉलिटिकल वेपन्स, कहता है पॉलिटिकल वेपन है,
क्योंकि वी आर हैविंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एंड पाकिस्तान, दैट इज व्हाई दीज वेपन्स बिकम इंपॉर्टेंट. अदरवाइज ये वॉर वेपन्स नहीं है, इनको वॉर में इस्तेमाल नहीं किया जाता. इंडिया चाहता है, कहता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. अब जरा एक इस टेबल में जरा कंपैरिजन देख लीजिए. यूएस 1032, मतलब दीज मेनी टेस्ट आर बीइंग कंडक्टेड. अब इंडिया का देखिए, तो कहने का मतलब यह है कि अगर यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके, चाइना, इनको कंपेयर करें, तो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का जो टेस्ट है और इसको लेकर जो वॉरहेड्स की स्टॉक पाइल है, उसमें हमने काफी हद तक मिनिमम डिटरेंस रखी है, राइट. और दूसरी एक और बात बता दूं, यूएस खुद नो फर्स्ट यूज का इस्तेमाल नहीं करता, फ्रांस खुद नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इस्तेमाल नहीं करता, यूके खुद नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इस्तेमाल नहीं करता. रशिया ने बीच में अडॉप्ट की थी, लेकिन रशिया ने भी चेंज कर ली. तो इन ये नहीं करते, इसका मतलब क्या है? ये इसको एक डिटरेंस का टूल मानते हैं कि भाई हम तो फर्स्ट यूज कर सकते हैं अगर हमारे इंटरेस्ट को खतरा हुआ, राइट. अब कमांडिंग अथॉरिटी क्या है इन इंडिया? वी हैव अ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, एनसीए. अब एनसीए के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए. एनसीए में एक तो होती है पॉलिटिकल काउंसिल, ये टॉप मोस्ट बॉडी है. जब भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात आएगी कि कितने वॉरहेड्स हमारे पास होने चाहिए, कितनी फोर्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, अगर अर्जेंसी हुई तो इतने लोग इसमें लगे होने चाहिए जिससे कि एक्चुअल में हम उसको ऑपरेशनलाइज कर सकें, तो इसका डिसीजन जो है पॉलिटिकल काउंसिल लेती है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं. जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव से मतलब क्या हुआ, यानी कि जो डिसीजन लिया पॉलिटिकल काउंसिल ने उसको एग्जीक्यूट कराने वाली. एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि हैं अभी मिस्टर अजीत डोवाल. अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में जितने डिसीजंस होते हैं वो ऑफिशियली कम्युनिकेट होने चाहिए विद रेस्पेक्टिव यू नो अथॉरिटीज जिनको वो डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना है. तो इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग स्टाफ होता है जो सेक्टेरियल सपोर्ट देता है, राइट. जो मीटिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो वो डिस्कशन डॉक्यूमेंटेड हो, डॉक्यूमेंटेड होकर वो कम्युनिकेट हो. ऐसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हेड तो है एनएसए, लेकिन यहाँ पर जो हमारी थ्री फोर्सेस हैं उनके हेड भी इसके मेंबर्स होते हैं, यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी. और ऐसे में इन आर्मी के हेड्स को, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के हेड को एडवाइस करने के लिए होती है आपकी स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड. स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड एडवाइस करने के लिए है, ध्यान रखिएगा. स्ट्रेटजिक प्लानिंग स्टाफ आपको बताया, स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड आपको बताई, एडवाइजर्स द चीफ्स ऑफ स्टाफ. किस बारे में एडवाइस करती है कि एक्चुअल में इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना होगा, कितने रिसोर्सेस की हमें जरूरत होगी. साथ में देयर इज अ दिस नेशनल कमांड पोस्ट. नेशनल कमांड पोस्ट का मतलब होता है कि अगर सही में इसको अप्लाई करने की जरूरत पड़ी तो हम कोऑर्डिनेट करेंगे अमंग डिफरेंट फोर्सेस. अब ये न्यूक्लियर वेपन्स रहते कहाँ हैं? देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स होती है, और ये फोर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास सेपरेटली मैनेज होती है, जहां पे स्टॉक पाइल को मैनेज किया जाता है, और इसका कोऑर्डिनेशन रेस्पेक्टिव हेडक्वार्टर से होता है. और जब जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पर जो नेशनल कमांड पोस्ट है ये कोऑर्डिनेशन का वर्क इंश्योर करेगी. अब जो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रक्चर है उसमें यूज कैसे होगा? जैसे अगर हम यहां पर ट्राइड की बात करते हैं, ट्राइड का मतलब होता है थ्री, यानी कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स वाया आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. ये भी सवाल उठता है कि भाई जब आप न्यूक्लियर वेपन के डिटरेंस की बात करते हो, आप कहते हो कि मिनिमम डिटरेंस है, तो फिर आप ट्रायड पर क्यों गए? फिर आपने तीनों के यूज, तीनों की यूटिलिटी को अपनी अंदर कैपेबिलिटी क्यों पैदा करी? तो ये कहा जाता है, देखिए डिटरेंस, अगर मान लीजिए हमारे पास कैपेबिलिटी केवल आर्मी से होती, एयरफोर्स से होती, और हमारी टेरिटरी पर किसी ने हमला कर दिया, और इतना बड़ा हमला है कि उसमें एयरफोर्स और जो आर्मी है वो डिवेस्टेट हो गए, तो कम से कम हमारा जो नेवी है वो, अगर उसकी सबमरीन्स दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, स्ट्रेटजिकली हमने अलाइन कर रखे और उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो कम से कम ये डिटरेंस रहेगा ना कि भाई अगर आपने इनकी टेरिटरी पर अटैक किया तो इनकी तो सबमरीन्स हैं दुनिया के अलग अलग कोने में, वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे आप पर, राइट. तो मुद्दा डिटरेंस का है. एग्जाम्पल, आर्मी की तरफ से हमारे पास पृथ्वी है, अग्नि है, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने में और बैलिस्टिक मिसाइल की तरह यूज होती हो सकती हैं. दीज आर बैलिस्टिक मिसाइल. यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल? कमेंट्स में बताइएगा. ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रेंज के लिए हम बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करते हैं. न्यूक्लियर ग्लाइड बॉम्ब्स, ये इंडियन एयरफोर्स यूज करती है. इंडियन एयरफोर्स के पास IF मिराज 2000 पर हमने अपनी कैपेबिलिटी को चेक किया है. जैसे स्पाइस 2000 बॉम्ब्स हैं, द स्मार्ट बॉम्ब्स. व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड ग्लाइड? क्योंकि जो इनका टारगेट है ये ग्लाइड करके
मैनेवर करके अपने डायरेक्शन को डायरेक्ट उसको हिट कर सकते हैं. तो ये कैपेबिलिटी हमारे पास है एंड वर्ल्ड नोज इट. तो डोंट यू थिंक इट इज अ डिफरेंस. INS अरिहंत ये हमारी सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि नेवल स्ट्रेंथ हमारी रिफ्लेक्ट करती है. तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBMs है हमारे पास जो कि डिप्लॉय कर सकती है बैलिस्टिक मिसाइल को ऑन दिस टारगेट. अब इंडिया विलिंगली अब्जर्व्ड फ्रॉम यूजिंग टैक्टिकल वेपन्स. एज आई टोल्ड यू, टैक्टिकल वेपन्स का हम यूज नहीं करते, स्ट्रेटजिक का यूज करते हैं. कारण क्या है, अभी आपको बताता है. एक तो लॉस हो सकता है. आपने देखा होगा कि जब इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर हुआ तो अभी पाकिस्तान के कुछ जो टैंक्स हैं वो इंडिया में हैं, राइट. हमने कहीं कहीं जगह लगा रखे, उनको हम यूज नहीं करते. तो ऐसे में अगर टैक्टिकल वेपन्स का हम यूज कर रहे हैं और स्मॉल वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ऐसे में हो सकता है वो लॉस हो जाए, दूसरा हमारे ही खिलाफ यूज कर जाए और ये तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं. अनऑथराइज्ड यूज हो जाए, यानी कि कुछ गलत लोगों के हाथों में पड़ जाए, राइट. इसकी स्मगलिंग होने लग जाए, एक्सीडेंटल लॉन्च हो जाए तो भी खतरा है. मेंटेन करना, दैट इज ऑल्सो अब इशू. तो इस वजह से इंडिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया. कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल, कहने के लिए एक टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से हम न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को कंटेन करते हैं, लेकिन इसका एक स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी भी है. कैसे? सबसे पहले तो कैनिस्टराइजेशन को समझ लीजिए. कैनिस्टर समझते हैं, जस्ट लुक एट दिस बॉक्स. यहां पर आपको एक मिसाइल दिख रही है, दूसरी मिसाइल यहां पर दिख रही है, ये कैनिस्टर है, लॉक है. मुद्दे की बात यह है कि दो तरीके हैं न्यूक्लियर वेपन्स को संभालने के. एक है कि जो वॉरहेड है, मतलब जो जिसके थ्रू आप अटैक करना चाहते हैं, से मिसाइल है, मिसाइल को रखिए अलग और न्यूक्लियर वॉरहेड को रखिए अलग. लेकिन कैनिस्टराइजेशन में क्या होता है, हम वॉरहेड को मिसाइल से कनेक्ट करके रखते हैं. द वॉरहेड कैन बी परमानेंटली मेटेड विद द मिसाइल, परमानेंटली मेटेड विद द मिसाइल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अटैक करने की बारी आएगी तो हमें वेट कम करना पड़ेगा, हमारा टाइम कम लगेगा. अब यही एक तरीके से क्वेश्चन बन गया अमंग पाकिस्तान एंड चाइना कि इंडिया इज यूजिंग कैनिस्टराइजेशन, यानी कि जब यूज करने की बात आएगी तो ये इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा. तो क्या इसका ये मतलब माना जाए कि इंडिया अब अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करने वाला है? क्योंकि अगर नो फर्स्ट यूज का इस्तेमाल आप करते तो आपके पास टाइम है रिटेलिएट करने के लिए, आप ये प्रिपेयर कर सकते हो. सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स इन क्राइसिस. Now the basic point is it would be harder for an adversary to detect when a crisis is about to rise. वो समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में खतरा उन पर कब आने वाला है अगर हम कैनिस्टराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे. ये एक पॉइंट है. Previously warheads were kept separately. इससे पहले हम अलग रखते थे, राइट. इस कैनिस्टराइजेशन का इस्तेमाल नहीं करते थे, कनेक्टेड नहीं रखते थे. लेकिन अब जो है हम शॉर्ट नोटिस पर भी अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. दिस शोज इंडियाज एफर्ट टू क्रिएट अ क्रेडिबल डिटरेंस, आई वुड से. नाउ इंटरनल डिबेट क्या है और रिगार्डिंग इन दिस न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रक्चर. तो देखिए यहां पर ये बुक्स लिखी गई हैं स्पेसिफिकली ऑन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी. अब इन सब का जो जूस है, मींस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में. जैसे कि इंडिया के बारे में एक रिमार्केबल चीज ये है कि इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर की जो हमने टेस्ट करे तो उस टाइम पर जो डिफेंस फोर्सेज हैं दे वर नॉट ऑन द फोरफ्रंट. यानी कि सिविलियन न्यूक्लियर अथॉरिटी वॉज एंगेज इन डेवलपिंग इंडियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. तो अब इससे मतलब क्या है, देखिए दो चीजें होती हैं. एक होती है न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करना और दूसरी होती है न्यूक्लियर वेपन को ऑपरेशनलाइज करना. आमतौर पर देशों में देखा गया है क्योंकि ऑपरेशनलाइज करने की जिम्मेदारी आर्म फोर्सेस की होती है, तो इस वजह से आर्म फोर्सेस की ही जो टेक्निकल विंग होती है उनको जिम्मेदारी दी जाती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. लेकिन हमारे केस में सिविल न्यूक्लियर अथॉरिटी, दिस सिविल एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो डायरेक्ट PMO के अंडर होती है, इसको जिम्मेदारी दी गई थी न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की. तो ऐसे में यहां पर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन में क्या दिखता है, हमें डिफरेंस दिखता है. कई देशों ने यह भी कहा कि इससे इंडिया की एक्चुअल ऑपरेशनलाइजेशन कैपेबिलिटी जो है वो शायद उतनी बेहतर ना हो. क्यों ना हो? क्योंकि शायद कब जब उसको यूज किया जाएगा तो उसके यूज में जो डिफेंस फोर्सेस है उतना उनका यूज नहीं होगा. लेकिन ये हमने विद टाइम डेवलप की है. जैसे कि लेटर पार्ट में कुछ एरियाज में DRDO को भी इन्वॉल्व किया गया है, राइट, इन डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एज वेल. नाउ देयर वाज लिटिल पब्लिक डिबेट अबाउट नीड टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स. ये वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते हैं ना कि इंडिया में तो पब्लिक डिबेट बहुत कम है कि एक्चुअल में कितने न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास होने चाहिए, होने भी चाहिए, नहीं होने चाहिए, जबकि कुछ देशों में इस पर डिबेट अच्छी खासी है. अब के सुब्रमण्यम जो IDSC के डायरेक्टर रह चुके हैं, इनका ये कहना है कि इंडिया नीड रोबस्ट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, रोबस्ट न्यूक्लियर पोस्चर. अब देखिए पोस्चर का मतलब क्या होता है, पोस्चर का मतलब होता है हमारी पॉलिसी.
एक मैसेज देना कि कब हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि दूसरा आश्वस्त है कि भाई इसका तो इस्तेमाल तभी होगा जब न्यूक्लियर वेपन का अटैक होगा इन पर, तो जाहिर सी बात है वो असली डिटरेंस पैदा नहीं करेगा। साथ में रोबस्ट पोस्टर तब भी आता है जब आपके पास वैसी टेक्नोलॉजी भी होती है, कैपेबिलिटी भी होती है कि हम इसे किन तकनीक से इसका यूज़ करेंगे। भाई क्या हमारे पास वो मिसाइल्स हैं, क्या हमारे पास वैसे बॉम्ब्स हैं, क्या हमारे पास वैसे सबमरीन हैं, तो हमारे पास कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए और एज वेल एज अच्छी पॉलिसी भी होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल के सुंदर जी, इन्होंने स्पेशल पेपर निकाले थे, कॉम्बैट पेपर्स। इन कॉम्बैट पेपर्स में इनका जो स्ट्रेंथ था वो के सुब्रमण्यम से भी एक स्टेप आगे था। एक स्टेप आगे का मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस इन द सेंस उनका कहना है कि इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवायरनमेंट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्मी बैटलफील्ड ऑपरेशंस बट हैड ओनली लिमिटेड सर्कुलेशन, यानी कि इस पर इतने चर्चा नहीं हुई, लेकिन उनका कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और कितने सारे देश न्यूक्लियर कैपेबल हैं, तो अगर बैटलफील्ड में हम आते हैं तो उसका बैटलफील्ड में आने का हमारा इम्पैक्ट होगा इस बात से कि दूसरे न्यूक्लियर कैपेबल हैं, तो ऐसे में हमें न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करना चाहिए और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और बेटर टेक्निक्स हमारे पास होने चाहिए टू एक्चुअली शो आर एनिमी कि हम इसका यूज़ इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, अब इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा आपके लिए। सबसे पहले तो मिनिमलिस्ट अप्रोच कि भाई सबसे कम से जितने से काम चल जाए उतना रखना चाहिए। तो जैसे कि मिस्टर के सुब्रमण्यम कहते हैं कि अगर 500 के आसपास वॉरहेड्स हमारे पास हों तो दे वुड बी एनफ 500 वॉरहेड्स, और जो कि आने वाले सालों में हम वैसे भी डेवलप कर ही सकते हैं। इनका कहना है कि एक एग्जैक्ट नंबर आना कि भाई कितने वॉरहेड्स एनफ हैं वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने रखेंगे तो वो एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस होगा। तो हमारी अप्रोच मिनिमलिस्ट ही होनी चाहिए, वी शुड नॉट स्पेंड टू मच ऑन न्यूक्लियर वॉरहेड्स क्योंकि इनका एक्चुअल यूज नहीं होता, ये डिटरेंस है। और डिटरेंस तो कई बार पोस्चरिंग से भी एनहेंस किया जा सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास है लेकिन पोस्चरिंग आपकी वीक है तो भी डिटरेंस पैदा नहीं होगा। न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास कम है लेकिन पोस्चरिंग आपकी ऐसी है तो क्रेडिबल डिटरेंस पैदा होगा। थर्ड मिडिल पाथ, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल इसराइल। इसराइल के पास न्यूक्लियर जो स्टॉक पाइल है वो इंडिया से कम है, लेकिन अगर हम डिटरेंस की बात करें तो इसराइल का जो डिटरेंस है वो बहुत ज्यादा है ड्यू टू इट्स पोस्चरिंग इन द वर्ल्ड, राइट। मिडिल पाथ, जनरल के सुंदर जी जिन्होंने कॉम्बैट पेपर्स लिखे थे, इन ये मिडिल पाथ की बात करते हैं। ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स कम से कम इतने तो हों कि अगर फेल सेफ एश्योरेंस हमें मिल जाए। भाई ऐसा भी तो होता है कई बार आपने आपके पास से 156 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और बाय चांस ऐसे हालात हो गए कि अब यूज होने हैं, तो क्या जरूरी है सारे के सारे यूज हो ही पाएंगे? जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कहीं न्यूक्लियर वेपन्स ग्लिच आ जाए, टेक्निकल ग्लिच आ जाए, फेल हो जाए, राइट। तो हमारे पास फेल सेफ एश्योरेंस होना चाहिए, राइट। तो इस वजह से वी शुड थिंक ऑफ फेल सेफ एश्योरेंस नंबर एंड वी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू इट, और साथ में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एडिक्वेट फोर्स स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, डेडिकेटेड प्लानिंग टीम स्टाफ वो भी होना चाहिए। तीसरी है मैक्सिमलिस्ट अप्रोच, भरत कर्नाड। ये तो कहते हैं कि देखिए हमें मेगाटन क्लास में होना चाहिए, जैसे अभी हम किलोटन क्लास की बात करते हैं, किलोटन क्लास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करते हैं। ये कहते हैं नहीं, इससे काम नहीं होगा, मेगाटन क्लास लाइए, वो इससे भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रखिए अपने पास जिससे कि क्रेडिबल डिटरेंस तब माना जाएगा। तो दैट इज हिज व्यूज। अब जरा इंडिया और पाकिस्तान का एक कंपैरिजन देख लीजिए अबाउट द मिसाइल्स विच आर हैविंग कैपेबिलिटी टू यूज न्यूक्लियर वेपन। अब नंबर में तो आपको दिख रहा होगा कि पाकिस्तान की ज्यादा है और इंडिया की कम है। ध्यान रखिए मैं टाइप्स की बात कर रहा हूं, टाइप ऑफ मिसाइल। अब अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 आप देख रहे हैं, तो अग्नि 5 ये मॉडल हैं। अब नंबर्स तो हम पर है ना, और ज्यादा भी है, राइट। जबकि ये वेरिएशन है इन टाइप्स। अब 52,000 किलोमीटर ICBM कैटेगरी, और यहां पर देखिए शाहीन 2750 किलोमीटर, राइट। तो ये वेरिएशन पे खेल रहे हैं हम, स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, राइट। हम इसको रेप्लिकेट कर देंगे तो वेरिएशन से क्या फर्क पड़ता है, राइट। खैर, हाउ मेनी आर एनफ, तो इस पर इंपॉर्टेंट है एशले जे टेलिस का ये मानना है कि देखिए सिंस इंडियाज प्रेफर्ड आउटकम इज दस डिफाइंड सोली इन टर्म्स ऑफ डिटरेंस, हम वॉर तो नहीं करना चाहते, हम केवल डिटरेंस चाहते हैं। तो डिटरेंस के लिए तो इवन फ्यू सर्वाइवेबल न्यूक्लियर वेपन्स दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग यू द डिटरेंस, दे आर कैपेबल। एडिक्वेट कमांड सिस्टम होना चाहिए, सफिशिएंट प्रिजर्व होना चाहिए फॉर कंट्री सिक्योरिटी,
ऐसा नहीं है कि यू नीड मोर एंड मोर एंड मोर न्यूक्लियर वेपन्स एंड देन ओनली यू कैन क्रिएट डिफरेंस. मिनिमम से भी आपका काम हो सकता है. ऐसा तो नहीं है कि यू आर कंपीटिंग विद रशिया और यूएसए, जिसके पास ज्यादा उसका ओहदा ज्यादा होगा. ऐसा तो नहीं, आप तो केवल डिफरेंस मान रहे हैं. तो ये इस मिनिमलिस्टिक अप्रोच को सपोर्ट करते हैं. इन कन्वर्सेशन विद जवाहरलाल नेहरू, अब देखिए, क्योंकि मेन एडवर्सरी हमारे पाकिस्तान एंड चाइना रहे हैं और अभी भी हैं, और उनसे हमें सिक्योरिटी रखनी है, तो ऐसे में ये व्यू कहता है कि दोनों की अप्रोच अलग है. इस वजह से दोनों के लिए हमारा डिफरेंस स्ट्रेटजी भी अलग होनी चाहिए. जवाहरलाल नेहरू जब माओ ज़ेडोंग से मिले तो माओ ज़ेडोंग ने यह कहा कि अगर 300 मिलियन चाइनीज पेरिश हो जाए तो जो अदर 300 चाइनीज हैं वो दोबारा बिल्ड कर लेंगे न्यू ग्लोरियस चाइनीज सिविलाइजेशन. लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का साइज और पाकिस्तान की कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इवन अ स्मॉल नंबर ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड टारगेट्स से पाकिस्तान में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे. तो ऐसे में पाकिस्तान को डील करने के लिए हमें डिटरेंस कम चाहिए, चाइना को से डील करने के लिए हमें डिटरेंस ज्यादा चाहिए. तो इसी वजह से कहा जाता है हमें अपनी स्ट्रेटजी जो है डिटरेंस की अकॉर्डिंग टू एडवर्सरी बनानी चाहिए. अब यहां पर केनेथ वॉल्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है. केनेथ वॉल्ट्स, इनका ये मानना है कि सबसे पहले तो कंपेयर मत करो वॉर फाइटिंग और वॉर डिटरिंग में. वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजी होती है कि वाकई आप वॉर लड़ रहे हैं. वॉर डिटरिंग का मतलब होता है आप इस वजह से वेपन बना रहे हैं, इस वजह से पॉलिसी बना रहे हैं जिससे वॉर ना हो. तो इसमें कंपैरिजन होना नहीं चाहिए. दूसरा केनेथ वॉल्ट्स का कहना है, जो आप कहते हैं कि अनमैच्ड डैमेज होगा, तो अनमैच्ड कितना होगा, क्या इस पर कोई क्लैरिटी है? क्वेश्चन इज नॉट वेदर वन कंट्री हैज लेस देन अनदर, इस पर कोई डिबेट ही नहीं है, बट वेदर इट कैन डू अनएक्सेप्टेबल डैमेज और नॉट. किसी के पास न्यूक्लियर वॉरहेड ज्यादा है लेकिन उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वीक है, तो क्या वाकई वो दूसरे को डैमेज कर सकता है? नहीं कर सकता. तो विद अनएक्सेप्टेबल डैमेज सेंसिबली डिफाइंड, और इस वजह से अनएक्सेप्टेबल डैमेज को हमें सेंसिबली डिफाइन भी करना पड़ेगा, जिससे वास्तविक उनको डिटरेंस लगे कि अच्छा ये टारगेट्स इन्होंने सेट कर रखे हैं, अगर इन पर हमला किया तो ये टारगेट्स तो हमारे गए, ये शहर, ये ट्रेडिंग सेंटर्स, ये पोर्ट्स, ये एयरपोर्ट्स, ये हमारे गए. तो जब आप ऐसे डिफाइन करोगे तो ये ऐसा नहीं कि आप उनको थ्रेट करना चाह रहे हो, ये सिर्फ आप ये कह रहे हो कि भाई हमारी पॉलिसी है कि अगर आपने हमारे पर किया तो हम ऐसा करेंगे. तो इस वजह से दोनों ही नहीं करते. ब्रजेश मिश्रा जी और फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका कहना है कि डिटरेंस इज नॉट नंबर गेम. नंबर गेम है ही नहीं, तो इस वजह से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है. चाइना एंड पाकिस्तान इंडिया लाइकली टू बिकम वन इन फ्यूचर, ना ही ये वर्ल्ड में आगे जाके नंबर गेम बनने वाला है. इज देयर अ नीड फॉर ट्रायड, जैसे कि मैंने कहा ट्रायड मतलब तीन, हमारे पास कैपेबिलिटी है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों से हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, लेकिन क्या इसकी जरूरत है? सवाल उठता है कि मिनिमम डिटरेंस जब आप बात करें तो क्यों इसको रख रहे? तो इंडिया का ये कहना है कि मेन मैन ऑफ कंटेंशन दैट एसएसबीएम, एसएलबीएम यानी कि जो सबमरीन कैपेबिलिटी है वो तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर टेरिटरी पर अटैक किया तो दूसरे दुनिया के दूसरे कोने में हमारी जो एबिलिटी है इन दिस न्यूक्लियर सबमरीन, हम वहां से रिटेलिएट कर सकते हैं. तो इस बहाने डर बना रहेगा, एक्चुअल डिटरेंस बनी रहेगी. तो इस वजह से नेवी की जो कैपेबिलिटी है अलॉन्ग विद एयरफोर्स, अलॉन्ग विद आर्मी, वो हमारे लिए जरूरी थी. इस वजह से ट्रायड हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी में डिटरेंस वर्ड है उसके लिए जरूरी है. ये आपका ऑफिशियल स्टैंड रहना चाहिए. अब इस क्रिटिसिज्म का रिप्लाई यही हमने किया है, अनरियलिस्टिक है कि अगर हम रिटेलिएशन पर केवल आर्मी और एयरफोर्स पर ही फोकस करें, इस वजह से हमें नेवल स्ट्रेंथ पर फोकस करना होगा. राइट, वेल ऑल पॉसिबल टारगेट्स इनसाइड पाकिस्तान एंड चाइना कैन फुल्ली बी कवर्ड बाय डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट इन सर्विस. हालांकि एयरक्राफ्ट से हम स्ट्रेटजिकली टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं पाकिस्तान चाइना में, लेकिन नेवी आपको रीजन बताया क्यों है, अगर उन्होंने अटैक किया तो वी हैव दिस कैपेबिलिटी. अब चैलेंजेस क्या हैं इसमें? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि अब केसेस देखिएगा, ठीक है, अगर इंडियाज एनएफयू पॉलिसी रियली नीड अ हेल्दी डिबेट, द यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं अपनाई. अगर ऐसे देश नो फर्स्ट यूज नहीं अपना रहे तो आपने क्यों अपनाई? आप भी इसको चेंज कर दीजिए. आप चेंज करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस होगा. चाइना ने प्लेज किया था एनएफयू पॉलिसी 1964, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा फाइन ट्यून हम कर रहे हैं. China had asserted that its NFU would not apply against countries. अब ये important है. China क्या कह रहा है कि इसकी NFU apply नहीं होगी उन countries के खिलाफ जो possession रखती हैं China की territory. तो ये किसको hint कर रहा है? India को hint कर रहा है. क्योंकि China कहता है ना अरुणाचल प्रदेश उसकी territory है जो India के possession में है. तो यानी कि China officially कह रहा है हमारी no first use policy India पर apply नहीं होती. India के खिलाफ तो हम first use कर सकते हैं nuclear weapons का. तो आपको ये लगता कि China की ये policy तो इंडिया की फिर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी वो क्यों है जो मिस्टर श्याम सरन डिफाइन कर रहे थे 2013 में?
चाइनाज नो फर्स्ट यूज डज नॉट अप्लाई इन इंडिया एंड बिकॉज वो इंडिया पर आरोप लगाता है कि आपने हमारी टेरिटरीज को लिया हुआ है. अब पाकिस्तान की बात करें, मेजर एडवर्सरी है पाकिस्तान, डज नॉट बिलीव इन एनएफयू ऑल्सो, पाकिस्तान भी नहीं बिलीव कर रहा. और इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है नासर, तो वो कैपेबिलिटी रखती है टू अटैक विद इन द टेरिटरीज इंपॉर्टेंट लोकेशन इन इंडिया. तो ऐसे में चाइना और पाकिस्तान से मेन सिक्योरिटी का खतरा है. जब वो नो फर्स्ट यूज का इंडिया को नहीं दे रहे फायदा, तो हम क्यों नो फर्स्ट यूज का फायदा दे रहे हैं. There has been specifically built with intention to target not only Indian cities but also Indian military formations. ये पाकिस्तान करना चाहता है, right? अब इस बात से आपका क्या ऑब्जेक्टिव मतलब क्लियर होना चाहिए कि इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है फिर. अगर पाकिस्तान नहीं नो फर्स्ट यूज हमारे लिए रख रहा, ना चाइना रख रहा, फिर हम क्यों रख रहे हैं. मैंने आपको बताया इस पॉलिसी का समय देखिए 2003. हमें उस टाइम पर जरूरत थी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद यूएसए की. और 2004-5 का जो पीरियड था उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजिक अलायंस है विद यूएस इट इम्प्रूव्ड. और ये कंडीशन थी यूएसए के लिए भी कि इंडिया नो फर्स्ट यूज रखे. इंडिया शुड बी प्रोजेक्टेड एज अ रेस्पॉन्सिबल नेशन. तो ये समझ लीजिए, ये तो भारत ने त्याग किया है अपना न्यूक्लियर पॉलिसी को थोड़ा सा मेलोडाइन करके, जिससे कि हम लार्जर बेनिफिट ले सकें, राइट. Now think about these three conditions. Conditions सुनिए. मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो जाए, ठीक है. अब तीन कंडीशन बताऊंगा, पहली कंडीशन सुनिए. और उस कंडीशन में हमारी जो फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के अंदर हिट कर रही हैं, और बाय चांस वो किसी एक ऐसी लोकेशन पर हिट कर दें जो वाकई जो वास्तविकता में न्यूक्लियर रिएक्टर था या न्यूक्लियर उनका बेस था. तो ऐसे में अगर वहां पर अटैक कर दिया तो वो तो न्यूक्लियर अटैक हो गया एक तरीके से. तो क्या ऐसे में वो इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के खिलाफ माना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक नहीं करा, पाकिस्तान कन्वेंशनल वेपन्स का यूज कर रहा था. हमने जो वेपन यूज किया उसने अटैक कर दिया उनके न्यूक्लियर रिएक्टर पर, या उनके न्यूक्लियर वेपन्स का जो जखीरा था उस पर अटैक कर दिया, एंड दे वर एक्चुअली बिल्डिंग दैट. तो ऐसे में उनके लिए तो न्यूक्लियर अटैक हो गया ना, राइट. तो ऐसे में वो नो फर्स्ट यूज के अगेंस्ट माना जाएगा, क्या पॉइंट नंबर वन. सेकेंड कंडीशन है, मान लीजिए चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर हम पर अटैक कर रहे हैं कन्वेंशनल वेपन से, न्यूक्लियर वेपन से नहीं, और वो इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं इस पर्टिकुलर जो अभी वॉर चल रहा है कि अब इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन गया है. तो क्या अब भी इंडिया को नो फर्स्ट यूज का परचम रखना चाहिए या फिर चेंज करना चाहिए अपनी पॉलिसी को इस मोमेंट पे? क्योंकि अगर नो फर्स्ट यूज रखेंगे तो ऐसे में इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे. तो ऐसे में क्या करना चाहिए, शुड वी चेंज आवर पॉलिसी? तो ये क्वेश्चन बैठता है, राइट. शुड वी यूज न्यूक्लियर वेपन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सो दैट वी कैन सिक्योर आवर बॉर्डर्स? तो ये क्वेश्चन बैठता है किस पर, इस पॉलिसी पर जो एनालाइज बोला है ना उस क्वेश्चन है. तो यहां पर आप ये आर्गुमेंट देंगे, व्हाट आर द बेस मींस व्हाट आर द चेंजेस व्हिच आर डिमांडेड, व्हाई दीज चेंजेस आर डिमांडेड. नाउ थर्ड, इफ अगर ऐसा हो कि पाकिस्तान ने एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लिया, और आपको बताया कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन शॉर्ट इंपैक्ट वाले होते हैं, एक कॉइललेस गन से भी, कॉइललेस गन आती है उससे भी वो छोटा न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, मान लीजिए उन्होंने एक टैंक पर अटैक कर दिया. तो ऐसे में इंडिया उसको न्यूक्लियर अटैक मानकर क्या अब स्ट्रेटेजिक वेपन्स का इस्तेमाल करके मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन कर सकता है? क्या कराची, लाहौर, इन जगह पर मैसिव अटैक कर सकता है? क्या वो ऐसा करना जस्टिफाइड होगा एज पर इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी? तो आपको लगता है ये जायज सवाल है. पहला सवाल क्या बताया आपको कि अगर हमने गलती से पाकिस्तान वॉर चल रहा है, गलती से पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक कर दिया, वो एनएफयू के खिलाफ माना जाएगा. दूसरा, चाइना पाकिस्तान दोनों मिल गए और इतने ज्यादा मजबूत हो गए कि इंडिया की सिक्योरिटी अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वो खतरे में है, तो क्या ऐसे में इस इमरजेंट सर्कमस्टेंसेज में हम एनएफयू को साइडलाइन कर दें? या फिर उन्होंने टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर हमारे एक टैंक को ही खतरा हुआ, इस टैंक के बदले कि हम कराची और लाहौर को उड़ा दें? तो ये यहां पर सवाल बनते हैं. अब रिकमेंडेशंस क्या हैं इसमें? अब एडमिरल कोठारा, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी. इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो डिफेंस मिनिस्टर को आपने इस पूरे जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है इसमें एक पेरिफेरल फिगर बनाया हुआ है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर के पास डिफेंस पोर्टफोलियो है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है. तो की यू कैन से की रोल डिफेंस मिनिस्टर का क्यों नहीं है, राइट, उसका होना चाहिए. दूसरा, उन्होंने कहा कि यहां पर जब एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी न्यूक्लियर अटैक करने की, तो वहां पर हमें एक ऑफिसर चाहिए, फॉर एग्जांपल सीडीएस की पोजीशन क्रिएट होनी चाहिए, और वो क्रिएट हुई भी, इनकी रिकमेंडेशन मानी गई, और लेट जनरल मिस्टर बिपिन रावत, ही वाज द फर्स्ट सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राइट. तो इससे क्या होगा कि दोनों जो तीनों फोर्सेज हैं उनके बीच में ऑपरेशनलाइज करना
ऑफ दिस कमांड वो आसान हो जाएगा। एडमिरल कोटारा का मानना है कि देखिए पाकिस्तान के पास एक डेडिकेटेड प्लान डिवीजन है, स्ट्रेटजिक प्लान डिवीजन, जो लगातार काम करती है कि किस तरीके से हमें न्यूक्लियर वेपन्स को रखना चाहिए, कितने वॉरहेड्स होने चाहिए, कौन सी वो टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए, रेगुलर कोऑर्डिनेशन भी करती है बाई डिफरेंट फोर्सेस। लेकिन इंडिया के पास एक डेडिकेटेड न्यूक्लियर प्लानिंग स्टाफ नहीं है। जो मैं SPS आपको बता रहा था, स्ट्रेटजिक प्लानिंग स्टाफ, वो केवल जो NCA है उसकी पॉलिटिकल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसको सेक्टेरियल सपोर्ट देने के लिए है। और जो आपको स्ट्रेटजिक फोर्स मैंने कमांड बताई थी, उसका काम है एडवाइस करना टू दीज थ्री फोर्सेज ऑन ऑपरेशनलाइजेशन। बट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट देयर शुड बी रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर इशू कंटिन्यूसली। सो हमारे पास वो डेडिकेटेडली होना चाहिए। अगर हमने इनएडिक्वेट प्रिपरेशन रखा तो ऐसे में जब वाकई जरूरत करने की बारी आएगी तो हमारे जो दुश्मन है वो कई मायनों में हमसे आगे निकल सकते हैं। ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दिस इज हिज व्यू। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स इंटरनल थ्रेट के लिए तो काम आते ही नहीं है। मान लीजिए हमारे देश के अंदर से टेररिस्ट हम पर हमला कर रहे हैं, ठीक है, दे आर यूजिंग कन्वेंशनल वेपन्स एंड दे वर सपोर्टेड बाय चाइना और पाकिस्तान, तो क्या इस पर डिटरेंस पैदा कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स? नहीं। तो हमें पता लगा कि ये दो चीजें हैं जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स जो है डिटरेंस पैदा नहीं कर सकते। नंबर वन इंटरनल, और नंबर टू नॉन स्टेट एक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दूसरे देश में कुछ टेररिस्ट बैठे हैं और वो इंडिया पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या इंडिया मैसिव रिटेलिएशन कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? क्योंकि अगर हमने वो अटैक किया तो अब नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि टेररिस्ट थोड़ा ना जाएंगे, सिर्फ उसके आसपास कितनी सिविलियन पॉपुलेशन, वो जो देश जो हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखता है वो देश के कितने सारे टेरिटरीज खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे में वहां पर उन टेररिस्ट में डर पैदा हो, वो डिटरेंस हो, क्या उसमें न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर पॉलिसी काम करती है? नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट थी, अशरफ गनी के साथ हमारे अच्छे रिश्ते भी थे, लेकिन वहां पर जो तालिबान है अगर वो हम पर अटैक कर रहा है, कोई मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है, तो क्या उनके खिलाफ हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? वाली जब उन्होंने एक टैक्टिकल वेपन यूज किया और उन्होंने से हमारे जम्मू कश्मीर में और किसी एरिया में न्यूक्लियर अटैक करा टैक्टिकल, क्या हम मैसिव रिटेलिएशन कर सकते हैं अगेंस्ट तालिबान? पहचानेंगे कैसे तालिबान को? क्योंकि तालिबान तो उन गाँव शहरों में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, और अगर आपने अफगानिस्तान पे करा तो अफगानिस्तान के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, अफगानिस्तान कहेगा मेरी क्या गलती थी। तो ऐसे में यहां पर ये हमारे सामने चैलेंज आ जाता है। अ मेजर्स अडॉप्टेड बाय इंडिया, सबसे पहले तो इंडिया ने क्या करा, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है हम कि हम तो भाई यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट चाहते हैं, हम केवल रखे हुए हैं क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी, लेकिन हम इसको सपोर्ट करते हैं, राइट। साथ में इंडिया ने अभी साइन नहीं किया NPT को, CTBT, MTCR, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड एंड स्पेशली जो न्यूक्लियर पावर स्टेट थे उन्होंने कहा कि हमारे पास रहेंगे, जो NPT साइन करेगा अब उसको न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने। अब जो देश कहेंगे कि भाई हम NPT साइन करें और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, उनको बदले में क्या मिलेगा? उनको मिलेगा सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आपको बिजली बनाने के लिए, शांति के लिए आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये देश देंगे। फॉर एग्जाम्पल US देगा, एक फेमस स्पीच अगर आप सर्च करना चाहें, एटम्स ऑफ पीस, Eisenhower स्पीच, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एटम्स ऑफ पीस प्रोग्राम। खैर, तो इंडिया सपोर्ट करता है, लेकिन NPT पे इंडिया साइन इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई पाकिस्तान ने साइन नहीं किए हुए, राइट, हमें तो न्यूक्लियर टेस्ट करने होंगे। हालांकि अभी हमने कैपेबिलिटी डेवलप कर ली, अब इंडिया कह रहा है वो टेस्ट की जरूरत नहीं है, वी हैव दिस कैपेबिलिटी। नाउ इंटरनेशनल ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है इन दिस ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एफर्ट। इंडिया उसमें विश्वास करता है कि ट्रीटीज बननी चाहिए जिससे नॉन प्रोलिफरेशन हो, न्यूक्लियर वॉरहेड्स में यूज करने की लेवल का जो एनरिचमेंट है न्यूक्लियर फ्यूल का ना हो, नहीं होना चाहिए, आर्म्स कंट्रोल होना चाहिए, डिसआर्ममेंट होना चाहिए। वॉलंटरली हम रिनाउंस करते हैं फर्दर न्यूक्लियर टेस्टिंग कि हमने वो कर लिया, हमारे पास कैपेबिलिटी है, अब जरूरत नहीं है। इंडिया हैज नेवर फ्लॉन्टेड, हमारे पास है लेकिन इसका हमने फ्लॉन्ट नहीं किया, राइट, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग टू बी फ्लॉन्ट अबाउट, राइट, नहीं तो हम आर्म्स रेस, वो तो आर्म्स रेस को सपोर्ट करने वाली बात हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान ने कितनी बार प्रोवोक किया। साथ में हमने ये भी कहा कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाना चाहते हैं अमंग आर एडवर्सरीज, कि जिससे कि ये हो कि वो भी आश्वस्त रहें कि हम भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हम भी आश्वस्त रहें कि वो भी नहीं करेंगे। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम है कि चाइना कहता है कि हम तो आपको मानते ही नहीं, आप न्यूक्लियर स्टेट हो, हमें विश्वास ही नहीं है कि आपके पास सही में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब न्यूक्लियर वेपन्स कोई दिवाली का रॉकेट तो नहीं है कि हमने चला के दिखाया, देखो हमारे पास है, राइट। वो कहता है जब आपके पास है ही नहीं तो फिर आपके पास कौन, आपके साथ ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मैं क्यों करूं? अब चाइना ऐसा क्यों करता है? अगर चाइना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर ले तो इसका मतलब है कि चाइना रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, और इससे इंडिया
का दर्जा वो बढ़ जाएगा, राइट? तो चाइना वो वैसा नहीं चाहता स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से. इंडिया कंडक्ट्स अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर एंड दैट इज वाई यूएसए एक्चुअली यू नो डिड दिस 1-2-3 एग्रीमेंट और न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट विद इंडिया. यूएसए को भी फायदा है कि वो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेच रहा है, उसको पैसा मिल रहा है. हमें फायदा है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट होना है, तो उसमें हमें यूएस की टेक्नोलॉजी मिल रही है और यूएस का सपोर्ट हमें अदर ऑप्शंस भी मान लिया ओपन करता है इंटरनेशनल रिलेशंस. इंडिया हैज साइन एंड रेटिफाइड दिस IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल्स, यानी कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम ओपन करते हैं फॉर IAEA कि आप आ सकते हैं और देख सकते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही उनको चला रहे हैं. एक्सेप्शन ये है कि कुछ जो स्पेसिफिक हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वेपन प्रोग्राम है, हम वो आपको चेक नहीं कराएंगे, लेकिन जो सिविल न्यूक्लियर वाले हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर पीसफुल पर्पज हैं, वो हम चेक करा देंगे आपको. उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, हम इससे और कोई नया न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे. इंडिया हैज नाउ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन नेसेसरी टू बी गिवन टू NSG. इंडिया चाहता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का पार्ट बनना, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का पार्ट बनना, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का पार्ट बनना, वेसनर अरेंजमेंट का पार्ट बनना. इन ग्रुपिंग्स के पार्ट वो देश होते हैं जो न्यूक्लियर पावर स्टेट होते हैं. कन्वेंशनली इनका पार्ट वो देश नहीं बन सकता जिसने NPT साइन नहीं किया, लेकिन US का हमें सपोर्ट है, इस वजह से हम इसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. अब मुझे बताइए, अब दोबारा जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं? ये PPT शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाएगी, सो दैट यू हैव दिस आर्ग्यूमेंट्स रेडी विद यू. एंड इफ यू हैव एनी डाउट व्हाटएवर, यू कैन शूट मी अ मैसेज ऑन shashank.powerbeam. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.